आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है कि परिवार को एक कुछ दिनों से एक ये एहसास जैसा हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस इन्वेस्टिगेशन को एक ऐसी दिशा में ले जाया जा रहा है जहां पर कि शायद सारी बातें ना आ पाए। जो जो भी ये इनका जो नारकोटिक्स का एंगल है, नारकोटिक्स के एंगल में जिस तरह से मुंबई पुलिस एक फैशन परेड करा रही थी, उसी तरह से लग रहा है जैसे कि अब बड़े बड़े स्टार को बुला करके सारा मीडिया अटेंशन उधर ले जाया जा रहा है। नारकोटिक्स के केस में जो एक ऑफेंस होता है वो बिना कोई कॉन्ट्रैबैंड या नारकोटिक्स के जहाँ तक कि कोई उनका वो ना हो, सामग्री ना पकड़ाया जाए, तब तक उसमें केस नहीं बनता। और अगर केस बनता भी है तो सिर्फ उनका बनता है जो कि कैजुअल कंज्यूमर है, और कैजुअल कंज्यूमर को प्रूव करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बहुत से हाईकोर्ट ने क्वैश किया है कन्विक्शन एक कंज्यूमर के लिए लेकर के। अगर रिया अगर सिंडिकेट में इन्वॉल्व थी तो उन पे केस एक बहुत सीरियस बनता है, क्योंकि वो एक फाइनेंसिंग और जो 27A की धारा उन पे लगाई गई है उस पे 10 साल की सजा है, उसमें अगर कोई ना भी पकड़ाया जाए तो भी केस एक बहुत सीरियस बनता है। इसलिए एक ये इस सारे मामले में बहुत पहले मेरे को एम्स के एक डॉक्टर जो आज के दिन इस कमिटी में है, नाम नहीं बोलूँगा क्योंकि उनसे मैंने पूछा नहीं है कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए उनका नाम, लेकिन उनको मैंने फोटोग्राफ्स भेजे थे जो मीतू के खुद के खींचे हुए फोटो थे, जो सुशांत की बहन के खींचे हुए फोटो थे, और उन फोटोग्राफ्स को देख करके उन्होंने मेरे से कहा था कि ये 200% डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आज के दिन में ये समझ में नहीं आ रहा कि CBI को इस मामले को एबेटमेंट टू सुइसाइड से मर्डर में कन्वर्ट करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों इसमें विलंब हो रहा है। आज एम्स की टीम बैठी हुई थी और 5 दिन से CBI भी 6 दिन से आई हुई है, लेकिन उन दोनों की मीटिंग भी नहीं हुई, मीटिंग भी नहीं बुलाई गई। तो कहीं ना कहीं इस मामले को एक डिले करके, और ये लग रहा है जैसे कि जो सही मामला है उसमें परिवार को ये फीलिंग हो रही है कि सही मामले तक जाने की जो है प्रयास, उसमें कहीं ना कहीं एक कमी आ रही है, और इसलिए इस इच्छा इस मतलब जो एक फीलिंग है परिवार की, उसको बताने के लिए मैंने सोचा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस सारे इन्वेस्टिगेशन को वापस ट्रैक पर नहीं अगर आएगा तो ये मामला बिल्कुल ही कहीं ना कहीं ये खराब होता दिखाई देगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था कि इस दोनों मामलों को मैं इसमें अपना कमेंट दूं और आप लोग सबके सामने रखूं। अभी वहाँ पर है, आपने कहा कि यहाँ दिल्ली मीटिंग भी नहीं हो रही है, अभी तक जिस तरह से आपने एलिगेशन लगाया CBI पे कि क्यों विलंब हो रहा है, क्या लगता है कुछ कॉन्क्रीट मिला है CBI को जिस दिशा में वो पहले बढ़ रहे थे, क्योंकि हमने तमाम बार आपसे बातचीत करी। देखिए कॉन्क्रीट मिला है कि नहीं मिला है, देखिए नॉर्मल CBI इतने बड़े मामले में नॉर्मली प्रेस स्टेटमेंट देती है, आज तक एक भी प्रेस स्टेटमेंट CBI की तरफ से नहीं आया है, जो कि बहुत अजीब है। इतने बड़े मामले में जहां पूरा देश जानना चाह रहा है कि इस केस में क्या हो रहा है, आज तक CBI की तरफ से कोई प्रेस स्टेटमेंट नहीं आया, ये खुद एक गंभीर बात है। और आज के दिन में क्या उन्होंने पाया है, नहीं पाया है, उसके बारे में खुलासा करें, परिवार को भी तो पता चले कि क्या नहीं पाया है, तो अगर हमको कुछ एक्शन लेना है तो हम एक्शन लेंगे, परिवार की तरफ से हम कोर्ट को मूव करेंगे। लेकिन इस तरह से जो मामला लटका हुआ है, इसमें ना तो हम कुछ कर पा रहे हैं, ना CBI आगे कुछ मामले को आगे बढ़ा रही है, और दूसरी तरफ ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का बड़े बड़े फिल्म स्टार को बुला करके एक उनसे वो करने का मेरे को तो कोई समझ में नहीं आता औचित्य कोई, उसमें कोई इनका कोई ड्रग ट्रेड में लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई लोगों का सिंडिकेट को फाइनेंस करने का केस नहीं है, इन लोगों का अगर कोई बहुत से बहुत केस होगा तो अच्छा अक्यूज्ड के कहने से किसी का नाम अगर जोड़ा नहीं जा सकता है इतने आसानी से, अक्यूज तो 10 आदमी को बदनाम करना चाहेगी। इस केस में भी अक्यूज ने कहा है कि सुशांत सिंह के लिए ड्रग्स खरीदती थी, अब सुशांत सिंह के मर्जी से खरीदती थी, सुशांत सिंह को मर्जी से देती थी, या सुशांत सिंह के पानी में या उनके चाय में या कॉफी में चुपके से मिला के देती थी, ये सुशांत तो रहे नहीं जो बता पाएंगे। तो इसलिए अक्यूज तो कुछ भी बोल दे, उस अक्यूज के बोलने को तो कोर्ट नहीं मान सकता, ना उसको प्रोसिक्यूशन को मानना चाहिए। तो इसलिए मेरे हिसाब से जो दिशा जा रही है इस इन्वेस्टिगेशन की, वो दिशा जरा घबराने वाली है परिवार के लिए, और ये लग रहा है कहीं ना कहीं एक ये फीलिंग आ रही है कि ये मामला जो है अंजाम तक जल्दी नहीं जा रहा है, और ये गंभीर बात है।
सर बहुत पहले से लोग ये ये कह रहे थे कि इस आत्महत्या मामले का इस्तेमाल इस ये जो केस आया है इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि अब इन्वेस्टिगेशन राजनीति की तरफ ज्यादा जा रही है? देखिए, इसमें मेरा कमेंट करना बिल्कुल सही नहीं होगा कि राजनीति की तरफ जा रहा है नहीं जा रहा है, लेकिन अगर अगर महीने दो महीने में या तीन महीने में अगर महाराष्ट्र की सरकार टूट गई और फिर से शिवसेना और बीजेपी की सरकार बन गई तो जरूर बहुत गंभीर बात होगी। सर इसमें सीबीआई सीबीआई अब तक जो जांच कर रही थी, अब तक तो लगातार पूछताछ कर रही है, तो ऐसा नहीं लगता कि कुछ सीबीआई को और वक्त देना चाहिए कि वो इस मामले को खुलासा जाए? क्योंकि बार बार आपने भी कहा है, सीबीआई ने भी कहा है कि जब महाराष्ट्र सरकार से ये केस सामने आया तो बहुत से एविडेंस डिस्ट्रॉय हो चुके थे, तो हो सकता है कि सीबीआई को थोड़ा वक्त लगे। देखिए सीबीआई को वक्त, आज के दिन से कितने दिन हो गए सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट किया, आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी एक महीना हो चुका है, एक महीना से ज्यादा हो गया है। तो जहां तक कि इन्वेस्टिगेशन का सवाल है, सारी दुनिया जानती है, सारा देश जानता है कि इस तरह के मामले में जब तक कस्टोडियल इंटरोगेशन नहीं होगा तब तक सच नहीं आ सकती है। आज के दिन में रिमांड पे लेकर के आज तक रिमांड का एप्लीकेशन तक नहीं बना है। अगर रिमांड पे लेकर के आप कस्टोडियल इंटरोगेशन लेंगे तब पता चलेगा सच्चाई क्या है। सीबीआई की मीटिंग क्यों नहीं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में हो रही है और उनके साथ क्यों नहीं डिस्कशन हो रहा है? आज के दिन से एक हफ्ते से सीबीआई टीम यहाँ आके दिल्ली आके बैठी हुई है और एम्स की टीम यहाँ बैठ करके वेट कर रही है उनकी मीटिंग की और आज तक मीटिंग नहीं हो रही। तो कहीं ना कहीं एक डिले करने का बड़ा एक गंभीर समस्या इसमें उठ रहा है जिसके लिए परिवार बहुत चिंतित है। Today the AIIMS medical board head has said that even with just the allegation or with the photos one cannot come to a conclusion whether it's a suicide or a murder. But you are saying that one of the doctors just with the photos that you had sent to him that he had indicated that it's a strangulation by death and not a suicide. But the AIIMS medical board head is completely countering your own statement. Well, that is something which is for them to take a final call and bring it in the public domain. It is only when it comes in the public domain that the family will be in a position to take some legal recourse. Today we are completely helpless because we don't know which direction the whole case is going. We have not there is no press briefing by the CBI. What have they found? What they have not found? If they have not found anything, and it is completely inconceivable that till date they would if they had found nothing, then the other cases will also, the ED case is also likely to fail. So I don't understand, they have to take a stand quickly in this matter. So you are not happy with the probe of CBI that has been done as on date? I will not say I am not happy with the probe. I will only say I am not happy with the speed at which the whole case is going. It is the speed which is worrying us. It is the lack of interest or the lack of importance that the case is being given that is worrying us. And that is what I thought I must bring out in this press conference. ये हत्या या आत्महत्या से शुरू हुआ था ये मामला, इसके बाद फिर इसमें नारकोटिक्स आया, इसके बाद बॉलीवुड आया, तो ये जो मूल मामला था वो तो कहीं छूटा हुआ लग रहा है। देखिए आज के दिन एक इंप्रेशन ये आ रहा है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस एक परेड करा रही थी उसी तरह से अब एनसीबी परेड करा रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं जो परिवार का मुद्दा था, जो एक सुशांत सिंह राजपूत के मौत का मुद्दा था, उस मुद्दे में कहीं ना कहीं एक ढिलाई समझ लीजिए या उसका एक इम्पोर्टेंस घटता हुआ समझ लीजिए या उसको सही अंजाम पे नहीं ले जाने की एक एफर्ट कह लीजिए, बट ये जो है बड़ा एक गंभीर मामला हम लोग की तरफ से है और हम चाहते हैं इस बात को जा सकते हैं कोर्ट को ये बताने को कि जो मूल मामला, अगर 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 इसमें हमको कुछ लगेगा कि हमको अगर कुछ इसमें आज के बाद भी अगर कुछ इसमें अगर समझ में नहीं आता कि इस मामले को कहीं कोई दिशा सही दिशा दिखाई दे रही है तो हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो कोर्ट में भी जाएंगे और इसमें इन्वेस्टिगेशन फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगे। Sir, the question about CBI which was asked, I mean, this is a CBI probe that you sought. So have you lost faith in the CBI's probe? And my question about what you're saying about a AIIMS doctor having told you looking at the photos that this looks like murder. Again, it could be seen while AIIMS is looking into it and the medical board head is saying that you cannot understand what exactly it is, suicide or murder. You are trying to, in a way, by saying out that, you know, a doctor told me earlier that, you know, 200% this looks like murder. Well, I'll say whatever I said in Hindi, in English, so that it will be clear for what I've said, rather than you interpreting what I've said. This is a case where the family very strongly feels that somehow the pace of investigation by the CBI has suddenly slowed down. And why the family says, I'll tell you very clearly. The CBI team is here for more than a week. They were supposed to meet the AIIMS team. They have not even had a meeting with the AIIMS team, to my knowledge.
and because of which the decision to convert this case from abetment to suicide, if at all, to murder, is not taking place. The doctor who had shared with me, I'm not taking his name because I have not consulted him before taking this press conference, so I don't want to embarrass him. But one of the doctors in the team of AIIMS, I had shared the photograph of Meetu, the sister who had taken the picture of Sushant Singh Rajput immediately upon his death. And he, seeing the picture itself, now a senior doctor of AIIMS seeing the picture himself, makes a statement that this is 200% death by strangulation and not, it can't be death of, it can't be a suicidal death at all. Now, if that was the impression given, that 200% can't become 0% in this period of time. So if that meeting happens, then I'm sure a call will be taken. Now, if that call is taken, if there is, I'm not saying that there is a murder, if there is a case for murder, then obviously the investigation, the pace of investigation will be different. The tenor of investigation will be different. People will have to be taken into custody who are there at the home, and they will have to be done custodial interrogation of. And it is only in that custodial interrogation that we expect the truth to come out, because unfortunately, none of the family members was living with Sushant at the time of his death. And because nobody was living with him, obviously we don't know firsthand what happened at that home. So that is why, and as far as the narcotics case is concerned, I must tell you something. Under the NDPS Act, the only case made out is if there is a recovery of some quantity. Now the quantity determines the period of sentence. It can be 1 year, it can be 10 years, it can be 20 years. That all depends on the quantity of narcotics seized. Now there is no narcotic seizure as far as these people who are being called tomorrow or day after by the NCB is concerned. If there is a 27A allegation of somebody sort of financing this narcotic trade, that can only be against Ria and her brother, because that is the statement which has come so far of them in being involved in financing of this narcotic trade. So why call the whole of Bollywood, and the whole purpose the family feels could be that the attention is completely diverted to a different, because media will go wherever these big names go, unfortunately. So the death of Sushant Singh Rajput is somehow, if this is the purpose, then there is some effort to somehow give a closure to this case or not take it to its logical end. And that is what we strongly feel, and that is what I must come out with this press conference. But what made you change your mind now, calling it as a murder? Because even CBI has conducted an investigation for over a month. If there was any case of murder, if they had got anything like the Ryan case, they would have changed it and they would have taken the person into custody. Well, I have, on this question, I've answered this so many times before, but I'll answer it again for your benefit. The original case we had registered as abetment to suicide, because till then we thought that Pithani is a friend of Sushant and Pithani is the person who opened that room. We did not suspect him. But Pithani was also cooperating with the family. But later on, when the FIR got registered and Pithani was not a named accused, he suddenly changed track and he started supporting Ria. And he sent her that mail which he used in the Supreme Court. And it is at that stage that the family felt that if Pithani can change tracks, then anything could have happened in the household, because nobody from the family was there when the door was opened. And there are so many inconsistencies as far as the way the hanging took place, the height of Sushant Singh Rajput, the marks on his body, the way the room was, the room keys are missing, there is access into the room through the balcony. So there are so many question marks and the marks on his leg, the breaking of the legs, the consistent mark in the neck, which doesn't look like a mark of a kurta, which apparently was used for the hanging purpose. So those are questions which immediately haunted us. And the family has given a statement to the CBI thereafter that they think that it could be murder as well. Sir, पहले ये कहा जा रहा था कि तीसरा सालियान से सुशांत की मौत का राज जो जुड़ता है, लेकिन अब ये मामला चूंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो तक चला गया, तो लगता है ये नारकोटिक्स से भी जुड़ सकता है क्या? क्योंकि इन नारकोटिक्स से जहां वहां भी ड्रग्स की बात की जा रही है सुशांत को लेकर के भी, और तमाम लोग सामने आ रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि ये भी कनेक्शन नहीं जुड़ सकता। देखिए, नारकोटिक्स का जहां तक मेरा अभी तक का जो पब्लिक डोमेन में आया है, जो मेरा समझना है,
नार्कोटिक्स का ये एंगल आ सकता है कि सुशांत को कुछ ड्रग्स दिया जा रहा था बिना उनके मर्जी के, बिना उनके जानकारी के, छुप छुपा के उनके पानी में या कॉफी में किसी तरह से डाल करके, और इस तरह का ड्रग अगर उनको दिया जा रहा था, और मैं तो कहता हूं अगर स्वेच्छा से भी ड्रग ले रहे थे, तो क्या जब डॉक्टरों के पास रिया ले गई, पांच पांच बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले गई, क्या डॉक्टरों को बताया कि सुशांत ड्रग ले रहा है या स्वेच्छा से या इस तरह से क्लैंडेस्टाइन तरीके से? कोई भी इलाज कर सकता है डॉक्टर किसी की मानसिक स्थिति का बिना उसको बताए हुए कि सुशांत को ड्रग दिया जा रहा है और सुशांत के बॉडी में ड्रग है? तो इसलिए ये जो बड़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं इस मामले की, ये सब मामले ड्रग का एंगल हो सकता है उस एक्सटेंट तक हो, ड्रग का और बड़ा कोई सिंडिकेट भी हो, मेरे को उससे वो बहुत अच्छी चीज़ है, करे एनसीबी करे, अगर सप्लायर कोई मिल जाए, कोई इसमें कोई ड्रग का बड़ा कोई माफिया इन्वॉल्व हो, पकड़ में आ जाए, बहुत अच्छी बात है, हम बहुत खुश होंगे, क्योंकि हर कोई इस देश में चाहता है कि ड्रग से ड्रग का खात्मा हो और ड्रग का जो है वो एक हमारे नस्ल को ख़राब कर रहा है। लेकिन जहाँ तक ये एक इस इन्वेस्टिगेशन को थोड़ा घुमाने वाली बात है, वो जरा हम लोग को उसमें खराब लग रहा है कि सीबीआई सडनली शांत हो गई है और एनसीबी सडनली बहुत तेज हो गया है, और एनसीबी जिस तरह से बड़े बड़े सितारों को बुला रहा है और सीबीआई को टाइम भी नहीं मिल रहा है यहाँ मीटिंग करने के लिए एम्स के साथ, डिसाइड करने के लिए कि ये मर्डर है या अबेटमेंट टू सुसाइड है, और उस केस को फिर आगे नहीं ले जाया जा रहा है, इस बात की हमको चिंता है, जिसको हमने सोचा यहाँ हम प्रकट करें आप लोग के सामने। धन्यवाद, थैंक यू। अब सब क्या मिल गई या नहीं मिल गई वो तो डिस्कशन होगा तब आएगा ना, वो सब बात तो मैं आप लोग सबने सबसे बोल नहीं सकता, लेकिन वो तो मीटिंग करेंगे तो ही बड़ी मुश्किल से उसको टेस्ट किया गया है, लेकिन वो उसमें क्या रिजल्ट है वो तो आप शेयर करेंगे वो सीबीआई के साथ जब मीटिंग होगी उनकी। धन्यवाद। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें गपशप तो।